हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटल्य कॉमर्स। आज हम लोग इश्यू ऑफ डिबेंचर शुरू करेंगे। अगर लास्ट क्लास जो लास्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है इश्यू ऑफ शेयर, अगर वो आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके इश्यू ऑफ शेयर से का वीडियो देखेंगे, क्योंकि इश्यू ऑफ डिबेंचर इश्यू ऑफ शेयर से ही कॉपी किया गया। बहुत ज्यादा कुछ हमको पढ़ाना पड़ता है, ऐसा नहीं है इश्यू ऑफ डिबेंचर में। तो हम बोल रहे थे कि इश्यू ऑफ शेयर का वीडियो अगर आप देखे हो तो इश्यू ऑफ डिबेंचर आपको सही लगेगा कि हाँ डिट्टो वैसा ही है। आइए शुरू करें। सबसे पहले सर, डिबेंचर क्या होता? हम बोले बाबू डिबेंचर कुछ नहीं है, एक तरह का क्रेडिटर है। जैसे शेयर होल्डर्स ओनर है, डिबेंचर होल्डर्स क्या है? क्रेडिटर। कंपनी को पैसा चाहिए तो एक तरीका हम लोग क्या सीखे थे कि सर कंपनी मालिक बनाए, लोगों को मालिक बनाए, उनसे पैसा ले ले। एक और तरीका है कि वो मालिक ना बनाए, वो क्या ले? लोन ले, बैंक से नहीं पब्लिक से, जर्नल पब्लिक से। उनको क्या बोले कि हमको 10 साल के लिए कुछ पैसा दे दो, 10 साल के बाद तुम्हारा पैसा सूद समेत लौटा दिया जाएगा और तुम्हारा इंटरेस्ट फिक्स रहेगा कि हाँ कंपनी को फायदा हो कंपनी को नुकसान हो तुमको तुम्हारा इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो ये सारा फीचर्स किस तरह का है कि सर ये तो जस्ट लाइक एक क्रेडिटर है, आउटसाइडर लाइबिलिटी है। हम बोले हाँ, डिबेंचर होल्डर्स क्या है? एक तरह का क्रेडिटर्स है जो लॉन्ग टर्म के लिए क्या दिए रहते हैं? लोन दिया रहते हैं। हम बोले हाँ, लॉन्ग टर्म का एक लोन है डिबेंचर वाला। और डिबेंचर्स का पेमेंट कब हो जाता है? मैच्योरिटी के बाद, जितने समय के लिए 10 साल 15 साल के लिए अगर मान लीजिए हम डिबेंचर इशू किए हैं तो आफ्टर 10 to 15 years कंपनी जब भी उसका मेच्योरिटी होगा डिबेंचर वापस लेकर के डिबेंचर का पैसा वापस कर देगी। और ईयरली या हाफ ईयरली क्या मिलते रहता है डिबेंचर होल्डर्स को? इंटरेस्ट। हम बोले हाँ। तो सर डिबेंचर होल्डर का मीनिंग क्या लिखा गया? हम बोले बहुत सिंपल लिखा है, पढ़े लिखा है, डिबेंचर इज ए रिटर्न इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द कंपनी। डिबेंचर होल्डर क्या है? हम बोल रहे सर एक कागज का टुकड़ा रहता है जिसमें लिखा हुआ रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर डेप्थ एक्नॉलेजमेंट पेपर है, ये ऋण पत्र हिंदी में जिसको बोलते हैं। तो हम बोल रहे हैं सर डिबेंचर इज ए रिटर्न इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द कंपनी गिवन अंडर द सील ऑफ द कंपनी। कंपनी एक पेपर इशू करती है, एक इंस्ट्रूमेंट इशू करती है जिसमें कंपनी का साइन होता है, मोहर लगा हुआ होता है। कंपनी जैसा हम जानते हैं कि हाँ सर कंपनी साइन कर सकती है। एक्नॉलेजिंग ए डेट, जैसा हम बोले कि उसमें वो क्या लिखता है? उसमें वो यही लिखता है कि हम इस आदमी से इतना पैसा ले रहे हैं, इतने समय के लिए ले रहे हैं और इतने समय के बाद इसका प्रिंसिपल अमाउंट लौटा दिया जाएगा और इंटरेस्ट इनको फिक्स्ड रेट से दिया जाएगा। तो इसका मतलब हो गया सर डिबेंचर एक इंस्ट्रूमेंट है इन राइटिंग कंटेनिंग द सील ऑफ द कंपनी एक्नॉलेजिंग ए डेट। हम बोले हाँ यही है डिबेंचर। फिर हम लिखे कि डिबेंचर आर लाइक क्रेडिटर्स फॉर द लॉन्ग टर्म। डिबेंचर होल्डर जो होते हैं वो क्या है बाबू? एक तरह का क्रेडिटर है लॉन्ग टर्म के लिए। बात समझ में आता है? डिबेंचर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते, क्यों होंगे? वो मालिक थोड़ी है। मालिकों के पास अधिकार होता है कि हाँ डायरेक्टर कौन बनेगा नहीं बनेगा, फैसला लेने का अधिकार। लेकिन क्या डिबेंचर होल्डर्स ओनर्स होते हैं? हम बोले नहीं, तो उनके पास वोटिंग राइट्स भी नहीं होता। बात समझते हैं? क्या इतना ही थ्योरी है? नहीं नहीं, थ्योरी बहुत है। हम लोग थ्योरी कहां पे डालते हैं? इंस्टाग्राम के पेज पे। तो अगर आप मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे जाके देखेंगे तो आपको थ्योरी का पार्ट भी मिलेगा कि हाँ सर शेयर भी था, एनपीओ का भी थ्योरी था, इसका भी थ्योरी मिल जाएगा आपको वहां पर। बात समझ रहे हैं? चलिए हम लोग आते हैं अपना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे कि सर एग्जाम में क्या होगा। हम बोले हाँ थ्योरी तो पूछेगा ही, प्रैक्टिकल भी पूछेगा। आइए सुने क्या क्या कवर करना है। पहले उस बात पे ध्यान दे कि सर डिबेंचर में कितना सारा बात पढ़ना है, क्योंकि हम लोग का सिलेबस इश्यू ऑफ डिबेंचर पे है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पे नहीं। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कहां मिलेगा? जब आप सीए इंटर में पहुंचिएगा वहां मिलेगा आपको रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो हम लोग का सिलेबस क्या कवर करता है? सिर्फ इश्यू ऑफ डिबेंचर, बेचना। ठीक बात। कैसे कैसे बेच सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट जी? सर इश्यू कर सकते हैं पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। शेयर डिस्काउंट पे इश्यू नहीं होता है, लेकिन डिबेंचर डिस्काउंट पे इश्यू होता है। अब मेरा बात सुनो चार्टर्ड अकाउंटेंट जी, इश्यू ऑफ शेयर अगर हम पढ़े हैं तो हमको इश्यू ऑफ डिबेंचर आता है, डिफरेंस क्या है? हम बोले कुछ नहीं, सेम एंट्री लिखिए, जहां जहां शेयर वर्ड था वो हटा दीजिए और उसके जगह डिबेंचर लिख दीजिए। जैसे शेयर एप्लीकेशन की जगह क्या लिख देंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन।
और शेयर कैपिटल की जगह क्या लिख देंगे, सिर्फ डिबेंचर। बात समझते हैं, बाकी एज इट इज सारा सोच वही है। सिक्योरिटी प्रीमियम वहां भी था, यहां भी होगा, ठीक है बात। यहां पे डिस्काउंट है, वहां पे डिस्काउंट नहीं था। फिर सुनो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है इशू ऑफ डिबेंचर का जैसा इशू ऑफ शेयर का था। अगर हम लोगों को शेयर अच्छा से आता है तो ऑटोमेटिक हम लोग को डिबेंचर का भी 50% बात आता है, जो कॉमन वहां से उठ के आ जाता है। जैसे इशू ऑफ शेयर पार पे होता था और प्रीमियम पे होता था, हम बोले यहां भी इशू ऑफ डिबेंचर पार पे होता है, प्रीमियम पे भी होता है और डिस्काउंट पे भी होता है। क्या डिस्काउंट सुन के हम लोग घबरा जाएंगे? बिल्कुल नहीं। डिस्काउंट सर लॉस है, डेबिट कर देंगे। जिस जगह पे बोलेगा उस जगह पे, कहां पे? नॉन बैंक वाला एंट्री में। सेम कहानी प्रीमियम वाला ही कि सर जिस तरह प्रीमियम नॉन बैंक में एंट्री करते थे, बैंक वाला में नहीं आता था, उसी तरह डिस्काउंट भी कहां आएगा? नॉन बैंक वाला एंट्री में आएगा और डेबिट में आएगा, क्योंकि लॉस है। हम बोले हां। उसके बाद क्या हम लोग ये भी पढ़े हैं ओवर सब्सक्रिप्शन? हम बोले हां, यहां भी हो सकता है। कैसे निकालते हैं? वर्किंग करके, याद होगा? हम बोले हां। उसके बाद क्या, फिर उसके बाद इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश पढ़े हैं, उसी तरह यहां भी है इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो हम बोले सर ये तीन टॉपिक, ये जो आप तीन टॉपिक देख रहे हैं, ये है डिक्टो सेम एज इशू ऑफ शेयर। मतलब इस तीन टॉपिक को पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही भारी बेइज्जती है चार्टर्ड अकाउंटेंट जी आपका। अगर हम इसको पढ़ाने बैठ रहे हैं ना कि सीधा क्वेश्चन लेने के जगह, तो हम आपका भारी बेइज्जती कर रहे हैं और आप भी इसको पढ़ करके भारी बेइज्जती अपना करवा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। इशू ऑफ शेयर फर्स्ट क्लास आता है हम लोग को। अंतर क्या है? हम बोले दोस्त कोई अंतर नहीं है, बस शेयर कैपिटल को हटा के वहां डिबेंचर लिख देना और जो अप्लीकेशन अलॉटमेंट है वहां पर शेयर को हटा के डिबेंचर लिख देना, बस इतना ही सा बात है और कोई बात नहीं है। सर डिस्काउंट तो पढ़े ही नहीं है। हम बोले तुम लोग हो चार्टेड अकाउंटेंट, क्या हम तुमको डिस्काउंट का एंट्री सिखाएं बैठा के? अब अगर हमको प्रीमियम आता है, हम अगर आपको प्रीमियम सिखा दिए हैं, क्या सिखा है प्रीमियम में कि सर प्रीमियम कंपनी के लिए एक तरह का प्रॉफिट है और प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है। हम बोले हाँ। आठ एंट्री में कहां? सर क्वेश्चन बताएगा किस इंस्टॉलमेंट के अंदर प्रीमियम है। हम बोले ठीक, बता देगा तो किसमें? सर जिसमें ही बताएगा उसमें, जो बैंक वाला एंट्री है वहां नहीं आता है प्रीमियम, मांगने वाला एंट्री में आता है प्रीमियम। हम बोले हाँ। और अगर क्वेश्चन नहीं बताया कि प्रीमियम कहां पे है तो कहां पे मानोगे? सर अलॉटमेंट में। तो हम बोल रहे दोस्त यहां भी वही मानना है, सेम टू सेम शेयर, इसी तो लिखे सेम एज इशू ऑफ शेयर। डिस्काउंट क्या, बात कर लेंगे डिस्काउंट क्या। सर डिस्काउंट का मतलब होता है कंपनी ओरिजिनल दाम से सस्ता में बेच रहा है। हम बोले हाँ। अब बताओ तुम्ही, किसी चीज का दाम है 100 रुपया, कंपनी उसको 90 रुपये में बेच रहा है, तो क्या कंपनी को 10 का लॉस नहीं होगा? हम बोले हाँ 10 रुपये का लॉस होगा। और लॉस कहां लिखा जाएगा? सर डेबिट के साइड में। किस इंस्टॉलमेंट में? जिस इंस्टॉलमेंट में क्वेश्चन बोलेगा, और नहीं बोलेगा तो अलॉटमेंट में। और जब बता देगा कि इस इंस्टॉलमेंट के अंदर डिस्काउंट का एंट्री करना है, तो हर इंस्टॉलमेंट का 2 एंट्री है, बताओ कौन से एंट्री में जाएगा? जिस एंट्री में बैंक नहीं होता है उसी एंट्री में, मतलब मांगने वाला एंट्री में। हम बोले हाँ हो गया। अगर मान लो अलॉटमेंट में है डिस्काउंट, तो एंट्री क्या बनेगा? सर डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, लो डेबिट हो गया। बाकी हम लोग क्या सीखे कि सर शेयर का वर्ड हटा करके और शेयर कैपिटल का वर्ड हटा करके वहां डिबेंचर लिख देने, सिंपल बात। इसी बात को हम फट से लिख देते हैं, आप साथ साथ कॉपी कर लीजिए। आइए इशू ऑफ डिबेंचर का हम लोग क्या लिखे, एंट्री। क्या हमको इस एंट्री में कुछ बताना है या सिखाना है? हम बोले ना, हमको तो ना कुछ बताना है ना ही कुछ सिखाना है, हम तो बस एक फॉर्मेलिटी निभाए हैं, आता आपको भी है कि हाँ सर आप शेयर वाला ही एंट्री तो लिखे हैं सारा का सारा। बस क्या अंतर आ गया, जहां आप शेयर लिखते थे और शेयर कैपिटल लिखते थे
उसके जगह आप क्या लिख दिए हैं, डिबेंचर होल्ड। हम बोले हाँ, जैसे शेयर में एंट्री क्या होता था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यहां क्या लिख दिया, टू डिबेंचर एप्लीकेशन। सर ये परसेंटेज क्या है, डिबेंचर में जो फिक्स रेट मिलता है इंटरेस्ट का वो परसेंटेज लिख देते हैं, वो परसेंटेज वही इंडिकेट करता है कि डिबेंचर होल्डर को एनुअली कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है। बात ठीक, बाकी सारा एंट्री देखो वही है, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर, फिर अलॉटमेंट मांगने का डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल मांगने का डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू डिबेंचर, फिर मिलने का बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल, फिर फाइनल कॉल मांगने का डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, और फिर फाइनल कॉल मिलने का बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फाइनल कॉल। ये तो डिक्टो शेयर वाला एंट्री है। हम बोले हाँ, क्या सर इसमें कॉल्स इन एरियर एडवांस ये सब होगा, तो जैसे शेयर में सीखे हैं डिक्टो वैसे ही कि सर एरियर डेबिट होता है एडवांस क्रेडिट होता है, वो डिक्टो वहीं से कॉपी किया हुआ है। प्रीमियम होगा तो कहां आएगा, हम बोले सर आठ एंट्री है, चार एंट्री नॉन बैंक वाला है, जहां बैंक नहीं आता है प्रीमियम वहीं पे आता है। डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट क्यों, क्योंकि फायदा है सर, फायदा क्रेडिट होता है। हम बोले गुड, नाम बताओ फायदा का, सिक्योरिटीज प्रीमियम। और अगर डिबेंचर डिस्काउंट में इशू करे तो सर कंपनी को लॉस, डेबिट में आएगा। किस जगह में सर, वहीं जहां बैंक नहीं आएगा वहीं डिस्काउंट आएगा, और डेबिट में डिस्काउंट का नाम डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। कोई भारी बात कि सर जहां भी बोलेगा क्वेश्चन वहां पे डालेंगे, नहीं बताएगा तो अलॉटमेंट में है प्रीमियम और डिस्काउंट। बात समझ में आता है मेरा, तो ये बस फॉर्मेलिटी के लिए लिखा गया है, आता पहले से था हम लोग को ये बात। तो सर पढ़ना क्या है जो नया बात, हम बोले हाँ अब स्टार्ट करेंगे हम लोग नया बात। पहले यहां तक लिखो, आइए टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डिबेंचर रिडीम होता है, मतलब पब्लिक से हम जो पैसा लेते हैं वो पैसा कंपनी एक सर्टन पीरियड के बाद जो फिक्स्ड होता है एट द टाइम ऑफ इशू कि हाँ पब्लिक जी से पैसा लेंगे, और पब्लिक को बोल रहे हैं 10 साल या 15 साल या 20 साल के बाद आपका पैसा लौटा दिया जाएगा। तो हम बोल रहे हैं जब हम इशू करते हैं, जब कंपनी, हम एक कंपनी है और जब हम इशू करते हैं डिबेंचर, तो क्या हमको पता होता है कि रिडम्पशन कब करना है। हम बोले हाँ, तो भविष्य हमको दिख रहा है कि हाँ इतने समय के बाद पेमेंट होगा। सुनिए ध्यान से, जब हम लोग इशू करते हैं तो पार पे कर सकते हैं, प्रीमियम पे कर सकते हैं, डिस्काउंट पे कर सकते हैं, और जब रिडम्पशन करेंगे, जब पैसा लौटाएंगे, तो कंपनी हो सकता है पार पे रिडम्पशन करे या प्रीमियम पे रिडम्पशन करे। कंपनी पार पे रिडीम कर सकती है, कंपनी प्रीमियम पे रिडीम कर सकते हैं। सर मतलब समझाइए तो एक बार, हम बोल रहे हैं हम किसी पब्लिक से डिबेंचर दिए 100 रुपया का, और हम उसको बोले इसके ऊपर तुमको 5% का इंटरेस्ट देंगे एनुअली, और 10 सालों के बाद तुम्हारा ये डिबेंचर हम वापस खुद ले लेंगे और तुम्हारा 100 रुपया लौटा देंगे। इसका मतलब इशू किए पार पे, रिडीम किए पार पे। और क्या हो सकता है सर, हम पब्लिक से बोले 100 रुपया का डिबेंचर लो, 5% का इंटरेस्ट देंगे, और 10 साल बाद जब तुमसे ये डिबेंचर हम वापस खरीद लेंगे तो तुमको 105 रुपया देंगे। मतलब सर 5 रुपया बेसी दीजिएगा आप उसको, मतलब आप उसको अधिक पैसा लौटा रहे हैं। इसको बोलते हैं रिडम्पशन एट प्रीमियम, इशू किए पार पे रिडीम करेंगे प्रीमियम पे। सर ऐसा भी हो सकता है कि इशू करे हम प्रीमियम पे, रिडीम भी करे प्रीमियम पे। हम बोले हाँ, इशू किए 100 का डिबेंचर 110 में, और लौटाने के समय बोले कि हम तुमको 115 देंगे, तो क्या इशू भी प्रीमियम में और रिडम्पशन भी प्रीमियम में। हम बोले हाँ। क्या डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं और प्रीमियम पे रिडीम। हम बोले बिल्कुल, 100 का माल 90 में दिए उसको डिबेंचर, और बोले कि चिंता नहीं करो जब हम तुमसे वापस खरीदेंगे हम तुमको 110 देंगे, तो 100 वाला चीज हम वापस खरीदेंगे और कितना देंगे, 110 रुपया। बात समझ में आता है मेरा कि सर रिडम्पशन जो है, इशू जो है, जब आप एंट्री इशू का कीजिएगा तो ध्यान क्या रखना है। हम बोले दोस्त बस इतना सा ध्यान रखो, हम तुमको रटवाएंगे थोड़ी कि केस बना के दिखाएंगे, हम कोई केस नहीं बनाना चाहते। हम बोल रहे हैं बहुत ही सिंपल है, सोचो फिर। हम बोल रहे हैं अगर इशू करते हैं और हमको तो पता ही है कि रिडम्पशन होगा 10 साल के बाद,
अगर रिडम्पशन करने के समय कंपनी को लॉस होगा, क्योंकि अगर कंपनी को लॉस कब होगा कि सर 100 रुपया का डिबेंचर इशू किए और 110 रुपया लौटाएं, तो क्या 10 रुपया अधिक लौटाएं? हाँ, भविष्य में 10 रुपया अधिक लौटाएं। तो हम बोल रहे हैं उस भविष्य का लॉस आज ही रिकॉर्ड होगा और ये मान के रिकॉर्ड होगा ये आज का लॉस है। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? रूल ऑफ प्रूडेंस याद करो, कंजर्वेटिज्म जिसको आप बोलते हो याद करो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल वहां पढ़ाए थे सर आपको, क्या कि सर फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉस, अगर भविष्य में कोई लॉस है जो सर्टनिटी के साथ है कि होके ही रहेगा तो उसका रिकॉर्डिंग आज ही कर लो, लेकिन फ्यूचर इनकम को रिकॉर्ड मत करना। हम बोले हाँ। तो हम बोल रहे हैं डिबेंचर के पॉइंट से सोचो कि सर डिबेंचर में भी तो सेम बात है, 100 रुपया का डिबेंचर इशू किए तो सर डिबेंचर दे दिए, पैसा ले लिए। हम बोले हाँ। अब भविष्य में 10 सालों के बाद हम प्रॉमिस किए हैं कि हम 10 रुपया अधिक देंगे, तो क्या जो 10 रुपया हम 10 साल के बाद देंगे वो सर्टन लॉस है कि नहीं? हम बोले हाँ बिल्कुल सर्टन है, होगा ही होगा। 10 साल के बाद वो डिबेंचर होल्डर आएगा, आपको डिबेंचर दे देगा और कंपनी उसको कितना लौटाएगी? 110। तो हम बोल रहे हैं दोस्त अगर भविष्य में नुकसान है तो उस नुकसान को आज रिकॉर्ड करो, ड्यू टू कंजर्वेटिज्म या ड्यू टू प्रूडेंस जिसको आप बोलते हो। बात समझ में आती है? तो जब हम लोग इश्यू ऑफ डिबेंचर करेंगे रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से, रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू तो हमेशा रहता है डिबेंचर में कि भविष्य में क्या अधिक लौटा रहे हैं, और चिंता किस बात का कि सर भविष्य में नुकसान है कि नहीं? अगर भविष्य में कोई नुकसान होगा तो उसको इशू के समय ही इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, ठीक। और अगर भविष्य में कोई नुकसान नहीं है तो बात ही खत्म, कोई नुकसान नहीं है तो कोई एंट्री भी नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ सर भविष्य में अगर हम कंपनी डिबेंचर को रिडीम करती है प्रीमियम में, तो वो प्रीमियम जो भविष्य का लॉस है उस लॉस को अभी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इशू। हम बोले हाँ बिल्कुल, एट द टाइम ऑफ इशू कंपनी उसको इनकॉर्पोरेट कर लेगी अपने अंदर। एंट्री बाद में सोचेंगे कि सर एंट्री क्या होगा, हम लोग डिटेल में बात करेंगे एंट्री के ऊपर। अब क्या होगा? हम बोले कुछ नहीं। तो सर ये जो लॉस होगा उसको एंट्री कहां करेंगे? हम बोले दोस्त बड़ा सिंपल है, फायदा नुकसान जो प्रीमियम और डिस्काउंट का बात हम लोग कहां पढ़े थे कि सर ये एंट्री वहां होता है जहां बैंक का एंट्री नहीं होता है। हम बोले ठीक, वैसे ही ये एंट्री भी कहां होगा जहां बैंक का एंट्री नहीं होगा। सर क्वेश्चन बताएगा कि इस लॉस का एंट्री कहां करना है? हम बोले हाँ, और नहीं बताएगा तो अलॉटमेंट में। बात समझ में आता है मेरे यहां तक? तो ये हुआ इश्यू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। सिंपल सा इतना ही बात है कि सर अगर रिडीम करने के समय कंपनी कुछ एक्स्ट्रा पैसा देगी डिबेंचर होल्डर्स को तो वो कंपनी के लिए लॉस होगा कि सर 100 रुपया के डिबेंचर के बदले रिडम्पशन के समय 110 लौटा रही है कंपनी, तो कंपनी जब रिडीम करेगी 10 रुपया अधिक देगी, तो जो 10 रुपया वो अधिक देगी वो कंपनी के लिए तो लॉस हो जाएगा। हम बोले हाँ। तो उस लॉस को कब लिखना पड़ जाएगा? इशू के समय ही लिखना पड़ जाएगा। बात समझते हैं मेरा यहां तक? चलिए इसी बात को हम लोग आराम से लिखेंगे। चलो बताओ एंट्री क्या? सबसे पहला बोलो सर एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव। क्या हम लोग एप्लीकेशन का पैसा का एंट्री जानते हैं? हम बोले हाँ। बोलो क्या एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट। टू डिबेंचर एप्लीकेशन। हम बोले हाँ, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। पहले इशू का एंट्री करो और इशू का कितना केस? पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, तीन केस में इशू हो सकता है। दूसरा एंट्री सर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर दो।
क्या ये इशू का एंट्री है? हम बोले हाँ ये तो इशू का एंट्री है। तो हम बोल रहे हैं सर अंतर क्या है? हम बोले सुनो अब ध्यान से, इशू तीन तरह से करने सीखे हैं हम लोग। क्या क्या सर? एक पार, एक प्रीमियम, एक डिस्काउंट। हम बोल रहे हैं दोस्त रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू कोई तोप थोड़ी है, उसको तो कंसिडर सबसे लास्ट में करते हैं, पहले इशू तो कर लो। जब इशू का एंट्री कंप्लीट कर ले तो सांस ले लो आराम से कि हाँ सर इशू हो गया। अब ये सोचो क्या फ्यूचर में प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है डिबेंचर या नहीं? अगर जवाब है हाँ फ्यूचर में प्रीमियम पे रिडीम होंगे, जो फेस वैल्यू है उससे ऊपर के वैल्यू पे रिडीम करने को बोलते हैं रिडम्पशन एट प्रीमियम। 100 रुपया फेस वैल्यू, अगर हम 105, 110, 115 या 120, 100 से ऊपर अगर रिडीम कर रहे हैं, फेस वैल्यू से ऊपर अगर रिडीम करेंगे तो सर जितना अधिक पैसा आप दे रहे होंगे 100 से ऊपर उसको बोलते हैं प्रीमियम, जो उस समय देना है रिडम्पशन के समय, लेकिन वो उस समय का लॉस आज बुक कर लिया जाएगा। बात समझ रहे हैं मेरा? पहले क्या करो, हम बोल रहे हैं सो सिंपल है दोस्त, हम कोई केस नहीं बनाने वाले हैं कि इशू एट पार रिडीम एट प्रीमियम, इशू एट पार रिडीम एट पार, इशू एट प्रीमियम रिडीम एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट रिडीम एट प्रीमियम, इस तरह केसेस नहीं रटेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं आप, क्या हम लोग केसेस बनाना शुरू कर दें? आप एक सिंपल सा लॉजिक के लिए पॉइंट पढ़ो, इशू करना है डिबेंचर तो पहले इशू तो कर लो। क्या इशू पार पे होता है? हम बोले हाँ। क्या प्रीमियम पे होता है? हम बोले हाँ। क्या डिस्काउंट पे होता है? हम बोले हाँ। तो क्या हम लोग को इशू का एंट्री नहीं आता है? अगर सपोज करो ये क्वेश्चन होता कि इशू करो प्रीमियम पे तो क्या एंट्री करता तुम? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इशू कर लिए, इशू के बाद ना सोचेंगे कि सर रिडम्पशन के समय कोई लॉस है कि नहीं। और अगर जवाब आता है कि सर रिडम्पशन के समय हमको है लॉस, तो उस लॉस को डेबिट कर लेंगे। लॉस हमेशा डेबिट होता है। हम बोले ठीक, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये क्या है? रिडम्पशन प्रीमियम, ये रिडम्पशन प्रीमियम है। हम बोले ठीक, और इसी के बराबर में जो रिडम्पशन प्रीमियम होगा उसी के बराबर का पैसा यहां लिखेंगे, डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम। सर ये क्या है? लाइबिलिटी। सर ये क्रेडिट क्यों हुआ? समझा दीजिए हमको, पक्का समझा देंगे दोस्त। कौन सा बड़ा चीज? सुनिएगा फिर से, हम बोल रहे हैं जब भी हम लोग रिडीम इशू करते हैं और रिडम्पशन का बात भी पता होता है कि सर रिडम्पशन होगा, तो पहले इशू कर लो। इशू के समय तो ये सीखेंगे, इशू तो सिंपल जानते हैं हम लोग। बोले हाँ, इशू पार पे होगा तो पार का एंट्री, प्रीमियम पे होगा तो प्रीमियम का एंट्री, डिस्काउंट पे होगा तो डिस्काउंट का एंट्री, पहले कर लेना। उसके बाद अब देखना कि क्या रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, फेस वैल्यू के ऊपर रिडम्पशन है। अगर जवाब है हाँ, फ्यूचर में जब रिडम्पशन करेंगे तो प्रीमियम पे करेंगे, फेस वैल्यू से ऊपर पेमेंट करेंगे, तो हम बोल रहे हैं फ्यूचर का लॉस अभी रिकॉग्नाइज करो ड्यू टू कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस, इसको हम लोग बोलते हैं। हम बोले हाँ, क्या करना होगा? हम बोले दोस्त लॉस है, लॉस कहां लिखते हैं? डेबिट में। नाम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये क्या है? रिडम्पशन का प्रीमियम की सर, जो रिडम्पशन के समय अधिक पैसा देंगे वो है ये। हम बोले ठीक, फिर हम बोले इसके बराबर में जो रिडम्पशन का प्रीमियम का पैसा होगा सिर्फ उसके बराबर में क्या लिखेंगे? डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम, या इसी को बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। नाम कुछ भी लिख दे हम, बात वही कि सर आप लिखते हैं डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम, कुछ कुछ जगह लिखा रहता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। हम बोले दोस्त दोनों सही है, नाम सेम ही है, दोनों जगह यही बताया जा रहा है कि डिबेंचर को रिडीम करने के समय प्रीमियम देना। हम बोले हाँ, ये बात तो क्लियर है चार्टर्ड अकाउंटेंट जी,
कि सर डेबिट तो समझ में आया कि फ्यूचर का लॉस है, तो लॉस तो डेबिट होता है, आप अभी रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं। हम बोले हाँ। क्यों? क्योंकि सर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में कंजर्वेटिज्म का बात लिखा हुआ है। हम बोले हाँ। कंजर्वेटिज्म बोलता है कि फ्यूचर में अगर कोई सर्टन लॉस होगा तो वो अभी रिकॉर्ड हो जाएगा, और लेकिन फ्यूचर का प्रॉफिट आप अभी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हम बोले बिल्कुल एकदम सही बात। फिर सर आप ये क्या लिख दिए हैं डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम क्रेडिट में? हम बोले अब मेरा बात सुनना, गिव ए थॉट। हम 100 रुपया में डिबेंचर दिए तो इश्यू कर लिए, ये दोनों एंट्री नहीं देखिएगा, 100 रुपया पब्लिक से कितना लिए, 100 रुपया आ गया। तो मेरा लायबिलिटी कितना का बना? 100 का। कि सर हम 100 रुपया लिए तो पब्लिक को 100 का देना है, 100 का लायबिलिटी। लेकिन हम प्रॉमिस कितना का कर दिए कि हम आपको फ्यूचर में 110 लौटाएंगे। तो अगर हम 110 लौटाएंगे तो मेरा लायबिलिटी तो 110 का बनना चाहिए था, जबकि जब हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अप्लीकेशन 100-100, डिबेंचर अप्लीकेशन टू डिबेंचर 100-100, तो लायबिलिटी का तो 100 ही का बना। डिबेंचर क्या है? लायबिलिटी है। हम बोले हाँ, जस्ट लाइक क्रेडिटर। तो हम बोले सर ये डिबेंचर तो 100 का ही बना है, जबकि लौटाना तो 110 है, तो लायबिलिटी 110 दिखना चाहिए। हम बोले बिल्कुल। तो हम बोले बताओ कितना का लायबिलिटी हम कम दिखाएं? तो हम बोले सर आप लायबिलिटी कम दिखाए हैं 10 का। हम बोले आओ लायबिलिटी क्रिएट करें, डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम। आप समझ रहे बात कि हाँ सर 10 रुपया 10 रुपया, इसलिए आप बोल रहे हैं कि ये दोनों सेम रहेगा। बात समझ में आता है मेरा? इतना सा बात कि सर डेबिट क्यों हुआ? फ्यूचर का लॉस, आज का लॉस। क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि सर लायबिलिटी कम क्रिएट हुआ है। अगर भविष्य में हमको 110 लौटाना है तो मेरा लायबिलिटी 110 का है, जबकि डिबेंचर क्रेडिट किए सिर्फ 100 से, डिबेंचर तो फेस वैल्यू रिकॉर्ड होगा, डिबेंचर तो फेस वैल्यू, जैसे शेयर कैपिटल फेस वैल्यू, वैसे डिबेंचर भी क्या होगा? फेस वैल्यू। तो हम बोले सर आप लायबिलिटी बनाए हैं 100 और देंगे 110, 10 रुपए का लायबिलिटी कम क्रिएट है। हम बोले बिल्कुल, अब क्रिएट कर लो डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम। ये लायबिलिटी कितने के बराबर है? हम बोल रहे हैं ये वही पैसा है जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं, इसलिए हम बोले कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर जो रिडेम्पशन प्रीमियम है उसके बराबर का ही ये बनेगा डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम, एक लायबिलिटी की तरह। बात समझ में आता है मेरा? यहां तक लिखो। अब एक बात ये भी सोचना तुम ध्यान से कि सर आप केसेस वाइज क्यों नहीं पढ़ाते, इश्यू एट पार रिडम्पशन एट प्रीमियम, इश्यू एट प्रीमियम रिडम्पशन एट प्रीमियम, इश्यू एट डिस्काउंट रिडम्पशन एट प्रीमियम। हम बोले दोस्त अगर हम केस वाइज पढ़ाएंगे तो झूठ मूठ का एक सिंपल सा चीज जो हमको और आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल था बल्कि बना देंगे, भारी आपके ऊपर एक बोझ बनेगा ये टॉपिक। हम क्यों बोझ बन रहे हैं? हम इतना सिंपल सा तो बात कर रहे हैं आपके साथ कि सर अगर हम लोग डिबेंचर इशू करते हैं तो डिबेंचर का रिडम्पशन भी होता है, ये कंफर्मेशन की बात है कि हाँ डिबेंचर रिडीम भी होता है। बोले बिल्कुल। जब रिडीम होता है तो रिडम्पशन के समय कंपनी पार पे रिडीम कर सकती है या प्रीमियम पे रिडीम कर सकती है? हम बोले हाँ। अगर कंपनी प्रीमियम पे रिडीम करेगी तो इसका मतलब हुआ कंपनी फेस वैल्यू से अधिक पैसा लौटाएगी। हम बोले हाँ। तो फेस वैल्यू से अगर अधिक पैसा लौटाएगी तो कंपनी को लॉस है, उस लॉस को रिकॉग्नाइज कर लो अभी। अब कितना सिंपल है रिकॉग्नाइज करना कि सर बैंक वाला एंट्री में आएगा नहीं ये बात? हम बोले हाँ। तो कहां पे आएगा? हम बोले नॉन बैंक वाला एंट्री में, लॉस डेबिट होता है। हम बोले ठीक, डेबिट कर दो और उसी के बराबर में एक लायबिलिटी बन जाएगा डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम। ये लायबिलिटी क्यों बनता है? क्योंकि सर जो पैसा आप भविष्य में देना चाहते हैं उसके बराबर का लायबिलिटी आप बना ही नहीं है, तो हम जितना का पैसा घट रहा है उतना का लायबिलिटी बना लिए। बात समझ में आता है मेरा? कैसे करना होता है? कुछ नहीं, पहले इशू का एंट्री खत्म करो। अगर इशू का एंट्री खत्म कर लोगे, जो हम लोग को आता है कि पार प्रीमियम डिस्काउंट कैसे भी इशू किया जा सकता है, हम बोले हाँ। तो हम बोल रहे सर पार प्रीमियम डिस्काउंट पहले इशू तो कर ले, जब इशू खत्म हो जाएगा तब ये देखना है कि क्या भविष्य में हमको डिबेंचर को रिडीम करना है प्रीमियम पे। अगर आंसर आता है नो तो बात खत्म, भविष्य में कोई नुकसान नहीं है, और जब नुकसान ही नहीं है तो क्यों इनकॉर्पोरेट करें। और अगर जवाब आता है भविष्य में ओ 10 रुपया बेसी देंगे,
हम बोले सर 10 रुपया भविष्य में अधिक देना है तो वो लॉस है, अधिक मतलब फेस वैल्यू से ऊपर। हम बोले हाँ, तो जो 10 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हैं अबव द फेस वैल्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। बात ठीक। तो हम बोले सर उस लॉस को रिकॉर्ड कर लो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। क्रेडिट में क्यों लिखे? क्योंकि सर भविष्य में लौटाएंगे 110 और लाइबिलिटी बना है 100 का, गलत बना है लाइबिलिटी। जब देना 110 है तो लाइबिलिटी भी 110 का होना चाहिए। हम बोले हाँ, बना लो लाइबिलिटी डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम 10 रुपया का। और ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर फ्यूचर वाला लॉस जो देना है। बात ठीक, यहां तक लिखो। चलिए अब हम लोग अपना बुक पे आ जाए। अभी तक जितना बात सीखे उससे सवाल बनाते हैं। लिखा है इलिस्ट्रेशन नंबर 1, अनमोल लिमिटेड इशूड 40 लाख 9% डिवेंचर ऑफ ₹50 ईच। फेस वैल्यू कितना है? 50। कितना नंबर इशू किया है? 40 लाख। और इंटरेस्ट का रेट 9%। पेबल ऑन अप्लीकेशन, सारा पैसा अप्लीकेशन पे ही पेबल हो जाएगा। एज पर टर्म मेंशन इन दी प्रोस्पेक्टस रिडीमेबल एट पार, भविष्य में भी पार पे रिडीम होगा। तो क्या भविष्य में कोई नुकसान है? बोले नहीं। और जब भविष्य में कोई नुकसान ही नहीं है तो क्या उस नुकसान का रिकॉर्डिंग करेंगे? हम बोले नहीं, जब नुकसान नहीं तो रिकॉर्डिंग किस बात का? आफ्टर 3 ईयर, बोल रहा है 3 साल के बाद रिडीम होगा पार पे। बोल रहा है एंट्री करो क्या होगा इशू के समय? हम बोले बड़ा सिंपल, 2 एंट्री, पहले पैसा लो बैंक अकाउंट डेबिट, 2 9% डिबेंचर अप्लीकेशन। बोले लो, तुमको तो पहले से आता ये सारा बात। कितना सर? 40 लाख डिबेंचर है और एक का दाम है 50 रुपया। हम बोले हाँ, मल्टीप्लाई करो सर 2 करोड़। हम बोले लिखो। आठ जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, ये सही है। बी, अप्लीकेशन बनी रिसीट। ऑन 40 लाख 9% डिफरेंशियल एट द रेट ₹50 ईच। दूसरा एंट्री बोलो सर, अप्लीकेशन को ट्रांसफर कर देंगे। हम बोले गुड, कहां ट्रांसफर करेंगे? सर डिबेंचर में, शेयर कैपिटल के जगह डिबेंचर। जिस तरह शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू पे होता था, उसी तरह क्या डिबेंचर भी फेस वैल्यू पे होता है? हम बोले बिल्कुल, ये भी हमेशा फेस वैल्यू पे ही होता है। बी, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 खत्म। लिखो इलिस्ट्रेशन नंबर 2, आओ पढ़े। अतुल लिमिटेड इशूड, कितना है ये? 1 करोड़ 8% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% रिडीमेबल एट पार। डिस्काउंट में इशू करेंगे और भविष्य में पार पे। क्या भविष्य में कोई नुकसान है? हम बोले नहीं। याद रखिएगा, भविष्य का नुकसान तब माना जाएगा जब पार से अधिक पैसा दें। हम बोले हाँ, एट द एंड ऑफ 10 ईयर मनी वॉज पेबल ₹30 एप्लीकेशन ₹60 अलॉटमेंट। क्वेश्चन नहीं बताया है डिस्काउंट का पैसा कहाँ है, जो इशू के समय डिस्काउंट दे रहे हैं वो कहाँ है? तो कहाँ है? अलॉटमेंट में। सर अप्लीकेशन का 2 एंट्री। हम बोले हाँ, और अलॉटमेंट का भी 2 एंट्री, 4 एंट्री करना है, आओ करें। क्या ये डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है? हम बोले डरते हैं हम लोग अब डिस्काउंट से, डेबिट करना है, खत्म बात। बैंक अकाउंट डेबिट 2 8% डिबेंचर अप्लीकेशन। कितना है सर? 1 करोड़ इंटू ₹30, तो सर 3 पे 8 जीरो। हम बोले ठीक, 3 पे 8 जीरो,
जीरो से ही फंसा लेगा बाबू, कॉन्सेप्ट तो नहीं फंसा सकेगा हम लोगों को। बच्चा कुछ गलती होगा तो वो है जीरो, सर कितना जीरो बैठा दे। दूसरा एंट्री, सर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर दीजिए डिबेंचर में, कर दिए। अगला एंट्री बोलो, सर अगला एंट्री होगा अलॉटमेंट मांगने का, और मांगने के समय ही आपको जो डिस्काउंट आप दिए हैं वो उसका एंट्री करना पड़ता है। हम बोले आओ करते हैं, 8% डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट, सर 1 करोड़ × 60, डिबेंचर डिस्काउंट डेबिट 10 रुपया, 10% है तो सर 1 करोड़ × 10, 2 8% डिबेंचर। डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू पे, 60 रुपया तो फेस वैल्यू नहीं है, क्यों? क्योंकि बाबू उसमें 10 रुपया डिस्काउंट है, तो असली वैल्यू 70 रुपया है। हम बोले हां, सर 7 पे 8 0 लिख दी, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब क्या होगा, सर पैसा मिल जाएगा, तो चौथा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 2 8% डिबेंचर अलॉटमेंट। कितना अलॉटमेंट था सर? 60, जितना से डेबिट था उतना ही से क्रेडिट होगा। बी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी खत्म। क्या कुछ हार्ड था? नहीं, लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 3। लिखा है कोइनल केमिकल लिमिटेड ने इशू किया है 15 लाख 10% डिवेंचर ऑफ ₹50 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। 50 रुपया फेस वैल्यू है और प्रीमियम कितना है? 10%, तो 50 का 10% 5 रुपया फेस वैल्यू पे प्रीमियम निकलता है। पेबल 20 ऑन अप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। 50 रुपया में अगर 5 रुपया प्रीमियम है तो हम बोल रहे सर 55 रुपया इश्यू प्राइस होगा। हम बोले हाँ, 50 का फेस वैल्यू 5 रुपया उसका प्रीमियम, तो सब मिला के 55। बोल रहा है 20 रुपया अप्लीकेशन है और बैलेंस अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट कितना होगा? 35 का। डिबेंचर आर रिडीमेबल एट पार। बोल रहा है भविष्य में जब पैसा लौटाया जाएगा तो पार पे ही लौटाया जाएगा, तो हम बोल रहे हैं क्या भविष्य में कोई नुकसान है? हम बोले नहीं, कोई नुकसान नहीं है। ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज कॉल्ड अप एंड रिसीव। बोल रहा है जो भी पैसा मांगे वो सारा मिल गया। रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्री व्हेन प्रीमियम मनी इज इंक्लूडेड इन एप्लीकेशन। प्रीमियम का पैसा कहां जुड़ा हुआ है? एप्लीकेशन में। तो जो 20 रुपया एप्लीकेशन दिख रहा है उसका फेस वैल्यू कितना है? 15। और हमको फेस वैल्यू क्यों चाहिए? क्योंकि सर 20 रुपया में 5 रुपया प्रीमियम है, 15 रुपया उसका फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू इसलिए चाहिए क्योंकि जो डिबेंचर लिखते हैं हम लोग, सिर्फ डिबेंचर, वो हमेशा फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है। बात समझते हैं मेरा? चलिए एंट्री करें, सिंपल तो है। बस याद क्या रखना कि सर प्रीमियम कहां पे? एप्लीकेशन में। और हम लोग जानते हैं कि सर प्रीमियम और डिस्काउंट दोनों ही वहां आते हैं जहां बैंक वाला एंट्री नहीं होता। हम बोले ऑफकोर्स, आइए करें। पहला एंट्री, इन द बुक्स ऑफ कोइना केमिकल्स बैंक अकाउंट डेबिट 2 10% डिबेंचर एप्लीकेशन। कितना लोग? हम बोले सर 15 लाख, और एप्लीकेशन कितने रुपए का मिलेगा? 20, तो सर 3 करोड़, 3 पे 7 0। हम बोले हा, बी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 15 लाख डिबेंचर एट द रेट ₹20 ईच। दूसरा एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 10% डिबेंचर 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। ओ, प्रीमियम एप्लीकेशन पे है। हम बोले हाँ, ये तो सीखे हुए हम लोग, एप्लीकेशन जितना पहला बार उतना दूसरा बार, 3 करोड़,
डिबेंचर सर 15 लाख इंटू 15 रुपया तो 2 करोड़ 25 लाख और प्रीमियम 15 लाख इंटू 5 75 लाख हो गया एंट्री। अब सर अलॉटमेंट मांगी है 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर कितना मांगना है 35 15 लाख डिबेंचर से 35 कितना हो जाएगा 5 करोड़ 25 लाख। अब पैसा मिल जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट 5 करोड़ 25 लाख। ये था इलुस्ट्रेशन नंबर 3 जो काफी सिंपल था क्योंकि हम लोग को शेयर्स पता है, शेयर्स का रूल्स पता है कि हाँ सर आप वहां भी बोलते थे अलॉटमेंट जितना से डेबिट होगा उतना से क्रेडिट होगा, फर्स्ट कॉल जितना से डेबिट उतना ही से क्रेडिट, हम बोले सेम रूल क्योंकि शेयर ही चल रहा है बाबू, बस नाम बदल के डिबेंचर लिख दिए। लिखो आइए अगला क्वेश्चन इलुस्ट्रेशन नंबर 4। मॉडर्न इक्विपमेंट लिमिटेड इशूड 4 लाख 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 पेबल एज फॉलोज ऑन अप्लीकेशन ₹30 ऑन अलॉटमेंट ₹70 ₹100 फेस वैल्यू है नंबर ऑफ डिबेंचर 4 लाख है डिबेंचर वेयर फुल्ली सब्सक्राइब एंड ऑल दी मनी वेयर ड्यूली रिसीव सारा शेयर डिबेंचर बिक गया है और पैसा मिल गया है एज पर द टर्म ऑफ इशू डिबेंचर आर रिडीमेबल एट 1100 पर डिबेंचर बोल रहा है रूल के हिसाब से डिबेंचर जो है वो ₹110 पर डिबेंचर पे रिडीम होगा वो गलती से मिसप्रिंट है मेरे बुक में वहां पर 1100 लिखा हुआ है एक्चुअल में वो कितना होगा ₹110 हम बोले ठीक बेच रहे हैं 100 में और लौटाएंगे 110 क्या फ्यूचर में ₹10 का लॉस होगा हम बोले हाँ और अगर फ्यूचर में लॉस होगा तो क्या उसका रिकॉर्डिंग एट द टाइम ऑफ इशू दिखाना पड़ता है हाँ किस नाम से लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और जितना का फ्यूचर का लॉस हुआ क्या उतना का लाइबिलिटी अभी बढ़ाना पड़ता है हाँ क्रेडिट में किस नाम से सर डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जो भी नाम अच्छा लगे आप लिखिए बात ठीक। क्या हम कोई केस बनाते हैं कोई केस वेस नहीं है दोस्त अगर आप लॉजिकल हैं अगर आप समझदार हैं आप तरीके से पढ़ते हैं अकाउंट्स को तो रटने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता पेपर के साथ। भविष्य का लॉस है आज रिकॉर्ड करना है भविष्य में लॉस कब होगा जब हम फेस वैल्यू से अधिक लौटाएंगे सो सिंपल कि हाँ सर हम फेस वैल्यू से अधिक लौटाएंगे तो फ्यूचर में लॉस होगा लॉस को डेबिट कर देंगे कहां पे क्वेश्चन बताएगा किस इंस्टॉलमेंट नहीं बताएगा तो अलॉटमेंट में किस जगह मांगने वाला और जितना का फ्यूचर में लॉस होगा उतना ही से मेरा आज का लायबिलिटी बढ़ेगा तो लायबिलिटी क्रेडिट कर देंगे क्योंकि लायबिलिटी क्यों बढ़ेगा अरे हम सामान बेच रहे हैं ₹100 का और हम उसको दिए हैं ₹100 का और लौटाएंगे 110 तो मेरे पास अभी जो रिकॉर्ड करेंगे लायबिलिटी डिबेंचर के नाम से वो तो ₹100 रिकॉर्ड हुआ है लौटाना तो 110 है तो क्या ₹10 का लायबिलिटी छूट रहा है हम बोले हाँ रिकॉर्ड कर लो क्रेडिट लायबिलिटी तो क्रेडिट होता है लायबिलिटी का नाम डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम और अगर भविष्य में कोई लॉस नहीं होगा तो एंट्री नहीं होगा उसका फिर तो नॉर्मल जैसे इशू करते वैसे करो हम तो बोलते अभी भी हम क्या करेंगे हम पहले इशू का एंट्री निपटा लेंगे जब इशू का एंट्री कर लेंगे फिर हम देखेंगे कि हाँ क्या भविष्य में कोई नुकसान है अगर जवाब मिलता है हाँ भविष्य में नुकसान है तो भविष्य के लिए एक डेबिट और एक क्रेडिट कर देंगे डेबिट का नाम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्रेडिट का नाम डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम सिंपल बात ठीक। चलो पहले फॉर्मेट बनाएंगे चलो एंट्री करें पहला एंट्री सर 4 लाख डिबेंचर पे ₹30 का अप्लीकेशन बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर पे परसेंटेज है 12 तो 12% डिबेंचर अप्लीकेशन कितना हम बोले सर 4 लाख इंटू 30 12 पे 60 नरेशन बीम अप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 4 लाख डिबेंचर एट द रेट ₹30। अब तो आपको भी याद हो गया कि हाँ सर ऐसे तो करते हैं। दूसरा एंट्री बोलो डिबेंचर अप्लीकेशन डेबिट टू डिबेंचर
क्या यहाँ पे लॉस दिखाएंगे? नहीं सर, क्वेश्चन नहीं बोला है यहाँ दिखाने, तो हम लोग अलॉटमेंट में दिखाएंगे। बोले वेरी गुड, आता है आपको सारा बात, बस झूठ मूठ का परेशान होते हैं। चार्टेड अकाउंटेंट लोगों को एंट्री में कौन रोक देगा? एंट्री आपसे बना है, आप एंट्री थोड़ी बने। तीसरा बोलो सर, अलॉटमेंट मांगने का एंट्री, क्या मांगने के समय भविष्य देखेंगे? जी सर, पहले मांगो फिर भविष्य दिखलाएंगे। सर 12% डिबेंचर अलॉटमेंट, डेबिट, एक लाइन छोड़ दिए। क्यों छोड़े? भविष्य देखना भी तो है। टू डिबेंचर, कितना मांग रहे हैं? सर 4,00,000 लोगों से 70 रुपया, 28 पे 6 0, 110 देंगे। अभी कितना में बेचे हैं? 100 में, और क्या बोल रहे हैं? 110 लौटाएंगे, तो 110 लेना हमसे। क्या कंपनी भविष्य में फेस वैल्यू से अधिक लौटा रही है? यस। तो क्या भविष्य में लॉस है? हम बोले यस। तो सर फ्यूचर का लॉस ड्यू टू प्रूडेंस आज रिकॉर्ड करेंगे? हम बोले बिल्कुल। किस नाम से? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। 4,00,000 लोगों को 10-10 रुपया अधिक देंगे, तो सर 40,00,000। क्या इसी के बराबर का एक लाइबिलिटी बनेगा? हम बोले हाँ। क्यों बनेगा? क्योंकि हम प्रॉमिस किए हैं 40,00,000 अधिक लौटाने का, तो मेरा लाइबिलिटी 40,00,000 से अधिक होना चाहिए था ना। लाइबिलिटी तो बस इतना का है, तो 40 और बढ़ा लीजिए। हम बोले ओके। नाम बोलो, डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम। अट्ठाइस पे 6 0, कोई दिक्कत? सिंपल सा, बिल्कुल। अब क्या होगा? सर पैसा मिलेगा। बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, चौथा एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर अलॉटमेंट, जितना से पहला बार डेबिट हुआ है उतना ही से क्रेडिट होगा। याद ही होगा कि हाँ सर, अलॉटमेंट तो हमेशा उतना ही होता है। 28 पे 6 0, कभी कभी हो सकता है बाबू मेरा मैथमेटिकल इरर हो, ठीक है, कि कभी कभी जीरो छूट जाता है या लग जाता है, इसीलिए तो उसको लेकर के आप ये नहीं समझिए गलत पढ़ा रहे, कॉन्सेप्ट बहुत सही है। मैथमेटिकल इशू क्यों हो जाता है? क्योंकि हम रिकॉर्ड भी कर रहे होते, क्वेश्चन भी देख रहे होते, सारा काम खुद कर रहे होते, इसलिए कभी कभी मैथमेटिकल इशू हो सकता है, कॉन्सेप्चुअल इशू नहीं होगा आपके साथ। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? हम बोले हाँ, 4 ही एंट्री था, 4 एंट्री कर दी। लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 5, लिखा है एग्रोटेक लिमिटेड इशूड 150,00,000, 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%। कितना डिस्काउंट दे रहा है इशू के समय? 6%। तो 100 रुपया का 6% 6 रुपया, तो इशू प्राइस कितना होगा? 94। 100 रुपया में 6 रुपया डिस्काउंट है, तो 94 का इशू। क्वेश्चन कुछ नहीं बताएगा, तो डिस्काउंट कहां पे होगा? अलॉटमेंट में। और डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है कॉल का। हम बोले हाँ। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, भविष्य में कितना अधिक देंगे? 5%। फेस वैल्यू है 100 रुपया, उसका 5% प्रीमियम देंगे लौटाने के समय, मतलब 5 रुपया अधिक लौटाएंगे। हम बोले हाँ, भविष्य में 5 रुपया अधिक लौटाएंगे। फेस वैल्यू से जो ऊपर लौटाते हैं वही है नुकसान कंपनी का, वही है लॉस फ्यूचर का। लिखा है रिडीमेबल आफ्टर 3 ईयर, 50 रुपीज का अप्लीकेशन है, 44 का अलॉटमेंट है, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर। इशू का पहले सोचेंगे, बाद में भविष्य। इशू किसमें करना है? डिस्काउंट में। 6 रुपया का डिस्काउंट है, क्वेश्चन कुछ नहीं बोला, डिस्काउंट कहां लेंगे? हम बोले सर डिस्काउंट लेंगे अलॉटमेंट के समय, जब मांगने वाला एंट्री होगा तब। हम बोले वेरी गुड, शुरू करो। इन द बुक्स ऑफ एग्रो लिमिटेड, पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अप्लीकेशन, कितना? सर 150 into 50, 150 into 50, जो अमाउंट है वो किसमें है? रुपीज इन लैक्स, ये लैक्स में रुपीज आएगा, तो सर 7500। दूसरा एंट्री, डिबेंचर अप्लीकेशन 9% लगा लो, डिबेंचर अप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। उसके बाद सर
डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तीसरा एंट्री कितना सर 150 × 44 तो 150 × 44 कितना आएगा 6600। डिस्काउंट, तो हम बोले सर डिस्काउंट लॉस है, हम बोले हाँ भविष्य में भी एक लॉस है, दो लॉस है, क्या दोनों लॉस को अलग अलग लिखे, हम बोले लॉजिकल नहीं है, दोनों तो लॉस डिबेंचर का ही है तो एक ही नाम में लिख दो। तो हम बोले सर डिबेंचर इशू का लॉस कितना, हम बोले 150 × 6 रुपया, हम बोले ठीक। और डिबेंचर कितना, हमेशा फेस वैल्यू से 50, 44 का जो अलॉटमेंट है क्या वो फेस वैल्यू है, नहीं वो ओरिजिनल थोड़ी है, उसमें 6 रुपया डिस्काउंट कटा है तो ओरिजिनल दाम तो 50 रहा होगा, डिबेंचर हमेशा ओरिजिनल दाम से, हम बोले हाँ कितना आएगा 7500, हम बोले ओके। अब भविष्य का चिंता, भविष्य में 5 रुपया बेसी देंगे तो सर भविष्य का लॉस अभी लॉस डेबिट, तो दो लॉस हो गया, इशू का लॉस भविष्य का लॉस, इशू का लॉस 150 × 6, भविष्य का लॉस 150 × 5, 5 रुपया बेसी तो प्लस 150 × 5, तो सर ये 900 और ये 750, 1650, हम बोले हाँ। सर लाइबिलिटी कितने का बनेगा, हम बोले लाइबिलिटी हमेशा बनता है भविष्य में जो लॉस है उसके बराबर का, हमारे पास भविष्य में कितना लॉस है, हम बोले सर हमारे पास भविष्य में लॉस है 750, ये भविष्य का लॉस के बराबर ही बनता है, याद रखिएगा, बात समझते हैं। अब क्या होगा, पैसा मिलेगा कितना, अलॉटमेंट 6600, कोई एरियर उरियर तो है नहीं, बी डिबेंचर अलॉटमेंट 9% लगा दीजिए। क्या हम लोग कोई पैटर्न रटे हैं ना, भविष्य बस देखना है, भविष्य अगर दिखा कि भविष्य में नुकसान रिकॉर्ड करेंगे, सर यहां तो दो नुकसान था, दोनों का नाम अलग अलग लिखते तो डिबेंचर डिस्काउंट लॉस लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम बोल रहे हैं दोनों डिबेंचर का ही लॉस है तो क्यों झूठ मूठ का एंट्री का बटन बढ़ाएं, एक ही साथ लिख दो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। क्या इसमें दो लॉस लिखे हैं, हम बोले हाँ देखो ना इशू का लॉस और ये रिडम्पशन का लॉस, और जो लायबिलिटी बनता है वो तो रिडम्पशन का बनता है, जितना भविष्य का नुकसान है उतना ही लायबिलिटी, बात ठीक है मेरा, लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 6, सीमेंस लिमिटेड इशूड 1,12% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट पार, पार पे इशू कर रही है इन फुल ऑन अप्लीकेशन बाय 1 अप्रैल, अप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 1,10,000 डिबेंचर, लो इशू करना चाहती है सीमेंस लिमिटेड 1,00,000 डिबेंचर, अप्लीकेशन आ गया है 1 अप्रैल को 1,10,000 का, डिबेंचर का अलॉटमेंट किए 7 अप्रैल को, एक्सेस मनी रिफंड कर देंगे सेम डेट में। क्या हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर पढ़े हैं, बिल्कुल, और क्या ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर कुछ अलग है, हम बोले बिल्कुल नहीं, सेम वैसे ही बोला है जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा रिफंड कर देंगे। क्या हम लोग सीखे हैं कि सर जो एडजस्टमेंट या रिफंड का बात होता है वो सेकेंड एंट्री में ही खत्म हो जाता है, हम बोले हाँ। तो बस यहाँ दो एंट्री, पहले 1,10,000 पे अप्लीकेशन ले लेंगे, उसके बाद डिबेंचर वालों को डिबेंचर दे देंगे और जो 10,000 एक्स्ट्रा आ गया उनको रिफंड कर देंगे, सिंपल सा एंट्री है, चलो स्टार्ट करें। तो कोई अलॉटमेंट का बात तो होना ही नहीं है इसमें, हम बोले नहीं कोई अलॉटमेंट नहीं है। पहला एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अप्लीकेशन, कितने लोगों का मिल गया 1,10,000 इंटू कितने का शेयर डिबेंचर है 100 रुपया, तो सर 6,000 लगा दीजिए, हम बोले लो लगा दी। अब डिबेंचर अप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू बैंक, रिफंड भी कर देंगे, किनको रिफंड करेंगे 10,000 लोगों को, उनका 100 रुपया, तो सर एप्लीकेशन तो जितना पहला बार था उतना ही, डिबेंचर कितना, हम बोले जितना असली में बन सकता है 1,00,000 × 100 और 10,000 × 100, क्या क्वेश्चन खत्म हो गया 6 भी, हम बोले हाँ इतना ही 6 था और कुछ था नहीं, उधर अलॉटमेंट अलॉटमेंट कुछ नहीं है, तो दो एंट्री सिंपल करना था, लिखो। अच्छा इसमें डेट लिखना, लिख लेना, ये क्या होगा 1 अप्रैल, ये है 1 अप्रैल और
इसमें कितना डेट दिया हुआ है, 7th अप्रैल, 1st अप्रैल और फिर है 7th अप्रैल, ये वाला होगा 7th और ये क्या था 1st। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, एक्स लिमिटेड इशूड 1,12% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, 100 रुपया का डिबेंचर है, 10% डिस्काउंट, मतलब 10 रुपया डिस्काउंट दे रहे, तो इशू कितना में कर रहे हैं, 90 रुपया में। क्या हम लोग को डिस्काउंट का एंट्री पता है? बिल्कुल, पेएबल ऑन एप्लीकेशन इन फुल, सारा पैसा एप्लीकेशन पे आ गया 31 मई 2017 को, हम बोले ठीक, तो 31 मई 2017 को एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है 1,20,000, लो बेचना है 1,00,000 का एप्लीकेशन आ गया। अलॉटमेंट कब किया गया है, 9 जून 2017 को, और जो एक्सेस पैसा आएगा वो रिफंड कर देंगे। बोल रहा है जर्नल एंट्री कीजिए और लेजर बना के दिखाइए, हम बोले चलो जर्नल एंट्री करते हैं। पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन 1,20,000, कितना रुपया आया होगा, 90, क्योंकि डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं, 108 पे 50। कब आया है ये पैसा, हम बोले सर 31 मई 2017, इसका अलॉटमेंट कब हुआ है, 9 जून, तो 9 जून 2017 एंट्री 12% डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट, क्या डिबेंचर डिस्काउंट को डेबिट करेंगे, हाँ, आपको लॉस है 10 रुपया का, डिबेंचर डिस्काउंट भी डेबिट टू 12% डिबेंचर टू बैंक, कितना डिस्काउंट, सर डिस्काउंट देंगे सिर्फ 1,00,000 लोगों को, क्योंकि वही लोग मालिक हैं, सॉरी वही लोग क्रेडिटर है ओरिजिनल में, बोले हां 10,00,000 × 100, बैंक में कितना जिनको हम नहीं दिए, 20,000 लोगों को एक्स्ट्रा डिबेंचर जो आया था 20,000, उसका 90 रुपया रिफंड कर दो, तो 20,000 × 90 लिखो, यही होगा रिफंड का एंट्री। आइए क्वेश्चन में क्या बोला है कि लेजर बनाओ, तो हम बोले क्या क्या बनेगा, बैंक अकाउंट 1, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 2, डिबेंचर अकाउंट 3 और डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट 4। हम लेजर नहीं बना रहे हैं दोस्त, क्योंकि लेजर क्यों बनाए, चार्टेड अकाउंटेंट हैं आप, क्या हम लोग लेजर नहीं बना सकेंगे कि सर बैंक का लेजर खोलेंगे, बैंक डेबिट में है पैसा डेबिट में, नाम किसका, एप्लीकेशन का, बैंक क्रेडिट में है क्रेडिट में, नाम किसका, एप्लीकेशन का, फिर जो बचेगा वो बैलेंस शीट, एप्लीकेशन क्रेडिट में फिर एप्लीकेशन डेबिट में, अपने आप मैच कर जाएगा, सीडी नहीं बचेगा, डिबेंचर क्रेडिट में तो क्रेडिट में लिखेंगे और फिर क्या बन जाएगा, 2 बैलेंस सीडी, डिबेंचर डिस्काउंट डेबिट में लिखेंगे फिर क्या बन जाएगा, बैलेंस सीडी, सिंपल। तो हम लेजर नहीं बना रहे, क्योंकि लेजर बनाए कोई औचित्य नहीं बनता है कि सर हम लेजर बना के दिख लाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट लेजर तो एंट्री देख के कर ही देंगे कि हाँ सर 4 लेजर बनाना है, बना के दिखा देंगे, बात समझते हैं, तो लेजर हम नहीं बना रहे हैं।